brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आज वही चीज घूम फिर करके जो जैसा बोता है वैसा उसके सामने आता है। लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण हो चुका है और अब चुनाव छठे चरण में प्रवेश करने वाला है, लेकिन पांचवे चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। ये सीट थी उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट, जहां से इस वक्त सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। हालांकि इस बार उन्हें बीजेपी से टिकट तो नहीं मिला, लेकिन इस बार उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला है, जो कि चुनावी मैदान में है। बृजभूषण सिंह कैसरगंज से बीजेपी की जीत के तमाम दावे कर रहे थे। इसी बीच जब यूपी तक ने उनसे खास बातचीत की, तो इस बातचीत में स्वाति मालीवाल को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। स्वाति मालीवाल के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं आपको। देखिए, जिस समय हमारे ऊपर आरोप लगे थे, उस समय सबसे ज्यादा ड्रामाबाजी अगर किसी ने की थी तो आम आदमी पार्टी ने की थी। आज वही चीज घूम फिर करके जो जैसा बोता है वैसा उसके सामने आता है, और हमको लगता है कि पुलिस ने वहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सीन जो क्रिएट होता है उस पर भी काम चल चुका है, और इसका असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप और अब यौन उत्पीड़न के आरोप, तो इसका असर दिल्ली पर पड़ेगा, और किसी दूसरे ने नहीं लगाया है, उनके ही पार्टी के लोगों ने लगाया है। वो भी राज्यसभा सांसद, हाँ, राज्यसभा सांसद हैं और उनके ही पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो आम आदमी पार्टी पर बृजभूषण शरण सिंह फायर है, और उनका साफ तौर पर कहना है जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। हालांकि दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या एक्शन होता है। बाकी बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।